आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 4 तैयार अवैध तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, असलाह बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। मऊ जनपद निवासी आरोपी पर पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से रात में सूचना मिली कि फरिया रेलवे स्टेशन के पास कुछ दूर झाड़ियों में एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आपराधिक कार्य कर रहा है। मुखबिर के इस सूचना पर पुलिस मुखबिर के बताए स्थान पर गई तो झाड़ियों में कुछ दूर रोशनी दिखाई दी, जिसके समीप जाने पर मौजूद शख्स पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल द्वारा घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। अपना नाम जितेंद्र विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा निवासी सराय सादी मस्जिदिया थाना घोसी जनपद मऊ बताया। एसपी ने जानकारी दी कि यह बहुत ही शातिर बदमाश है और असलाह बनाने के साथ ही अपराधियों को बेचने का काम भी करता है। इसको लेकर पहले भी जेल जा चुका है। 315 बोर व 312 बोर के तमंचे बनाने में इसको महारत हासिल है। देखिए, ये स्वाट टीम प्रभारी नंदकिशोर तिवारी और थानाध्यक्ष निजामाबाद, इनकी टीम द्वारा एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पकड़ी गई फैक्ट्री में 3 तमंचे हैं, अर्धवने तमंचे हैं, शस्त्र बनाने के बाकी साजो सामान है और जिस चीज़ से ये अवैध शस्त्र बनता है वो सारे उपकरण पाए गए हैं। इस ये एक शातिर अभियुक्त है। मऊ में भी पहले शस्त्र फैक्ट्री में शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और इस पर 3 मुकदमे पहले से भी हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी है। और जो अवैध शस्त्रों का जो निर्माण होकर जो अपराधों में प्रयुक्त होते हैं, उससे निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इनका के 3 जनपदों में कनेक्शन है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था। यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये शस्त्र बना रहा था, जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग थे सर? इसमें एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है और ये शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। क्या बरामद हुआ? देखिए, तमंचे बरामद हुए हैं, अर्धबने तमंचे बरामद हुए हैं, इसके अलावा तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है और शस्त्र जो उसका जो अन्य उपकरण है वो बरामद हुए हैं।